हाय एवरीवन पिलाने पिरामिड क्लासेस रो यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत आज पिलाने रक्षाबंधन आई होप समस्ते घरे घरे समस्ते आकु बहुत धूमधाम सहित समस्ते पालन करूथिबे एवं एही छुट्टी दिन मध्य रे गोटे खुशी रो माहौल पिलाने ओडिसा रो सब विद्यार्थी जो माने वेट करथिले कि जो अग्निशम विभाग केबे फॉर्म तांकर बाहर करदबे एवं सेमाने ताकु पकेबे तार पिलाने से जो थिला घड़ी संधि मुहूर्त थिला तार अंत घटी एवं तुम सामने वर्तमान पे जो रही 940 टी पदवी तुम पाखे आसी पहुंची सारी एवं आवेदन कह जाऊँ 1 सेप्टेम्बर हम जो टेंटेटिव कथा तलाया कथा पिलाने किंतु ये जो खुशी माहौल टी आम पाखे पहुंची मु भाई रखी पारे ना बाध्य तुम सहित सेयार कराया चाहिए जो मैंने एक्साइटेड थी मत कमेंट रे समस्त कह सर मैंने आउ डेरी कर स्टार्ट करदे तुम प्रिपेरेसन को आगू ना तो डिटेल्स भिडियो शेष पर्यटन देखिए कारण बीट बै बीट मुझ तुम सहित आलोचना करी गोटे जिनस गवर्नमेंट आम शुणिलानी जोटा आमर थी आम चाहूल कि एज को लेकिन कारण पे बहुत सारा जो थी गवर्नमेंट कही 5 वर्ष बढ़े आणव तादे पिलाटी गड़बड़िया भलसे आम लक्ष्य करवा देखा और जबरदस्त भाव सेसन्स पिरामिड क्लासेस जो थी तार प्रिपेरेसन बढ़ेदेव 100 मार्क रही पाने परीक्षा तेणुक समस्ते जो मैंने भी यूट्यूब अच्छा पिलाने कम्युनिटी अच्छा समस्त लक्ष्य रख तुम समस्त देखी सारे आई होप 100 मार्क आगुआ प्रिपेरेसन तुमको करवाक पड़ो समस्त रेकमेंड कर तो ए समय आसी 100 मार्क जो रही कट ऑफ को क्लियर करवा देन तुम फिजिकल डेफिनेटली मुझे कहि तगड़ा अच्छे क्या 7टा इवेंट पे सब अधिक फायरमैन ही इवेंट देखा मिले ओडिशा गवर्नमेंट जो भी पोस्ट आम देखा और तार गोटे सरल और आम कहीपर इजी रु इजिएस्ट करने पिरामिड क्लासेस स्टार्ट करुच्छे तार प्रिपेरेसन तुमको हेल्प करने फायरमैन बैच तो जोटा तुम समस्त कहबी मात्र 799 टाँचा समस्ते तुम टारगेट कर सर के फिज अच्छी तो आम जॉइन कर मिनिमम फिज पे 799 टाँचा राखी बर्तमान पे जब आम लक्ष्य करवा मार्केट में गोटे गोटे राखी 500 पाखापी पड़ जाऊँच कि लाइफ रो सवाल राखी रो सवाल नुहे लाइफ रो सवाल पे तेणु आधे आम गड़बड़िया करानी राइट जिनस चूज करवा राइट जगह पढ़ा सी हूँ पिरामिड क्लासेस तुमको हूँ प्लाटफर्म जिते शीघ्र पारे यही नंबर को कल कर दि 8280515266 एवं सांगे सांगे पे कल कर दि तुमको बेटर हम न्यू बैच जो मैंने जॉइन हे बैच डेट मुझे तुमको कहीदे 4 सेप्टेम्बर तुमको हूँ बैच स्टार्ट डेट जिते शीघ्र पार एनरोलमेंट निजुक निजे समस्ते करनी बैच ना हूँ फायरमैन बैच जिते शीघ्र पारे ये नंबर को कॉल करके जॉइन हो जाए चलो जी डिटेल्स देखा तुम्हारा जो रही है और चैनल को जब फर्स्ट टाइम आस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह तो तुम समस्त जान कर सांग जबरदस्त भाव सेयार कर दि आज पे रक्षाबंधन में समस्ते टी सेयार कर दि आस जी मैंने देखा पे आज जो रही जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रो आसी पाखे तो विषय में आलोचना करवा ये हूँ पे तुमको हूँ ऑफिशियल रो नोटिफिकेशन टी तुम सामने समस्त देखा जा समस्त देखी नि मुझे समस्त ये अन् कर समस्त देखी नि अग्निशम विभाग तुम आसी देखी नि पाने ये कौन कौन कही तुमको ये गोटे 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 आम आलोचना करके ओके देख पाने तो ये तो बड़ कथ हूँ 826 पे तुमको पोस्ट रहा दीटा आग जाना गोटे हूँ अग्निशम रो रही पे गोटे हूँ अग्निक आउ गए अग्निक गाड़ी चालक पाई जो पोस्ट ये निर्धारित अच्छी जब आम तलु तलू की स्क्रल कर देखा साथी मैंने देखी नि तो ये तुमने देखिपार स्क्रल कले कि बढ़िया से तुमको खाली थी पदवी संख्या दे 622 टी पिला तुम लिखिक रख देखिक रख 622 जो रही तो ये हूँ तुमको आग्निक पोस्ट सहित अनुसूचित जाति हूँ 113 एवं एकालेपटा हूँ अनुसूचित जाति पे तो टोटल मिसले 826 हूँ जो मैंने आग्निक मानते प्राय समस्त पकेबे आग्निक जो मैंने अच्छा जार क्वालिफिकेशन आसने पकेबे अणसंरक्षित कहले जो मैंने जनरल कैंडिडेट आसुच्च अनुसूचित जाति कहले एससी पिला मैंने सहित एस टी पिला कत पकेबे ना तुमको जो रही एकालेबटी तो 826 पोस्ट से हिसाब से आग्निक गाड़ी चालक तो गाड़ी चालक ओबियसली तुमको गोटे दरकार फोर व्हीलर वाला हेवी लाइसेंस वाला तुम सर्टिफिकेट दरकार जहाँ पाखे अच्छे से कैंडिडेट मैंने 74 अणसंरक्षित जोटा अनरिजर्व कैंडिडेट मैंने पकई पारे सीट अच्छी एससी पिला 39 और 2 पोस्ट अच्छे अनुसूचित जाति कथा यदि आम कह हाँ तो ये तुमको यही हिसाब से तुमको डिवाइडेड हो 115 टी टोटल पोस्ट तुमको आसी जाए तो ये तुमको कहबी आ भाया जो अपेक्षा करते पोस्ट वैकेंसी तुम अपेक्षार अंत आम घटी सारी सहित तो आउ गोटे कथा तुम सहित सेयार करने को चाहिए 10% रिजर्वेशन पे अच्छी 10% को समस्त लक्ष्य कर तो यहाँ पे पदवी जो मैंने रे मैंने क्रीडाविद मैंने अवसरप्राप्त सामरिक कर्मचारी आ जो मैंने रे पे तुमको
ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁକି 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲର କଥା ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସର ସାଲାରି ମୁଁ ଦେଖିନିଅ ତୁମର 19,900। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାସର ସାଲାରି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଦରମା ଆକାରରେ ଆସୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତଳୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାର କୌଣସି ଦେୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତମମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ଫ୍ରିରେ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏର ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି କହିବି, ତ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ କୁହାଯାଉଛି କି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି କେତେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବୋଲି କହୁଛି, ତ ଯେଉଁଟାକ ଟେଣ୍ଟାଟିଭ୍ ରହିଛି, ତ 1 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲାରିଟି ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ତ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କହିଥିଲି, ବୟସ ସୀମା କେତେ ନା ତୁମର 18ରୁ 25, ଏଇଠି ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ିଆ। ଭାରତ ସରକାର ଯଦି ଆମେ ସରି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା କି 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କଥା କହୁଥିଲା, ତ ଏଠି କୌଣସି କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁକି ଜାଣି 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଷୟ, କାରଣ ସେଇଠି କିଛି ଜଣ ମୋର ପଛରେ ରହିଯିବେ। ଏଇଟା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଏସ୍ସି ଏବଂ ଏସ୍ଟି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଏସ୍ସିବିସି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏସ୍ସିବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ସେମାନେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ସିଧା କଥା, ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲ। ଗୃହରକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବେ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତା ଅର୍ଥ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ ମାନଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ କରିଛି। ଓକେ, ତା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେଇ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛି। ଯୋଗ୍ୟତାରେ +2 ତମର ହଉଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, +2 ଯଦି ତାଠାରୁ ଉପର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି ICSE ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ରହିଛି, CBSE ଅଣ୍ଡର +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ବି ହଉ, ନହେଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ବୋର୍ଡର ହଉ, ତାର ତ +2 ପାସ୍, ତ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଠି ତମର ଆର୍ଟସର ପିଲା ତମେ ହେଇଥାଅ କି ତମମାନଙ୍କର କମର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତମେ ଆସିଥାଅ ବା ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ନୋ ମାନେ କିଛି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପିଲା ଥିବ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ମାନେ କହିଲେ, ସେଇଠି ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବା, ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଗାଡି ଚାଳକ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରିବ, ସେମ୍ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ଭାରିଯାନ ଚଳାଇବାର ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସଟେ ଥିବ, ଏତିକି ଜିନିଷ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ବଡ଼ ଜିନିଷ କୌଣସି ନାହିଁ। କାହା ପାଇଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁମାନେ ପକେଇବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ତ ତା କଥା ଯଦି ଆମେ ସାଡ଼ୁକୁ ଯିବା, ତ ଦେଖ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କେଉଁଠି ଚୟନ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ସ୍ଥାନଟି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ। ସେ କହିବା କଥା କି ତମର ହବ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କେଉଁଠି ହବ କ'ଣ ହବ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ରହିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ କହିବେ କେବେ ହବ, ସରି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ତ ଓବିଅସ୍ଲି ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେବ, କେତେବେଳେ ହଉ ସରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଉଛି ସେଟା ତ ବେଶୀ ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଡେ ବାଇ ଡେ, ତ ଯେଉଁ ରହିଲେ ତୁମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ, ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତମମାନେ ସବୁ ରେଗୁଲାରଲି ଚେକ୍ କରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ହିଁ ତମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷାଟି କରାଯିବ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ମାପ, ଆଗ ରିଟିନ୍ ହବ, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ତୁମ ଡିଟୋ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା, କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କହିଥିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ 100 ମାର୍କ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବ, 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ, ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଟିକେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ସ ତ ହବ, ତ ସେଥିରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ MCQ ଆକାରରେ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, 0.25 ତମ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଲା, ଆଉ OMR ସିଟ୍ରେ ହବ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବନି, ଯେଉଁଟାକ ତମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହବନି, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ତୁମର କରାହବ, OMR ସିଟ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖ ଟିକେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଟାକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ, ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଆଗ୍ନିକ ପଦବୀ ପାଇଁକି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାଧାରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ ସାର୍ ମ୍ୟାଥ୍ର କଥା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଆର ଆଣିକି ଆସିବି ତୁମମାନଙ୍କର, କି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବା, ଏଥିରେ ମ୍ୟାଥ୍ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲାରିଟି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଇଦେବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହ କି କେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଆଉ ଆଗ୍ନିକ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପାଇଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବେ ସେପାରେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍, ସେପାରେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିବ, ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ମେନସନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ଯଦି ଏଇଟା ସରିଯାଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କଥା, ଶାରୀରିକ ମାପ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା। ତ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡି ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ କି ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ମାପ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ UR ପିଲାମାନେ, ଏବଂ SCBC ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ତୁମର ଏଇ ହେଉଛି କାହାଣୀ, 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ଦରକାର, 55 କେଜି ତ ମିନିମମ୍, ଆଉ 79 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମର ଛାତିର ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ୍ ହେଲା ପରେ 84 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଉପଜାତି ଯଦି ହେଇଛନ୍ତି ଦେନ୍ 163 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍,
पचास के जी मिनिमम ओजन 76 एवं 81 होची तुम्हार अण संप्रसारित संप्रसारित छातीर माप ये हिसाब से तुम्हारे यहाँ तो अलरेडी तुम समस्त जाच कि बड़ जिनस हूँ शारीरिक दक्षता आउ परीक्षा एटी पे हूँ कौन ना जो रही मानते तुम 63 के जी बाली बस्ता को तुमको 100 मीटर दूर को बोही ने पड़ब ये हूँ क्वाफाए मुझे तुम समस्त कह चाहे ये हूँ क्वाफाए कौन से मार्किंग वगैरह तुमको मिलवन रिटिन टेस्ट हूँ तुम मुद्दा ताकू तुमको एबार आज ठार फोकस करा पड़ो जोटा मुझे तुमको स्क्रलींग कर दे नंबर एवं सांगे सांगे कल कर जॉइन हो जाओ डेरी करनी कौ मैंने भी आउ पचर पुणी हईरा हम आउ बड़ मुद्दा हूँ जो 63 के जी हम ताको 60 सेकेंड संपूर्ण करवाक पड़ो योग्य ना अजोग्य हो तुमने अधिक समय लगे गोटे मिनिट्रे तुम भाई नहीं 63 के जी टेकी नहीं सेपटे ओके ये फास्ट इवेंट सेकेंड ला रसी चढ़ा ये भी पे तुम सहजता नुहे बहुत तगड़ा जिनस समस्त करता नुहे पुणी गोड़ न लगे तो केवल हाथ द्वारा तो यहाँ तुम देख यहाँ 6 मीटर पर्यंत उच्चता रिटर से हिसाब से संतरण पहरिया कथ तुमको कहबी 100 मीटर रुमान रही 100 मीटर पहरिबे तो यहाँ बेस क्या जे पहरा न जाणी थोड़ा प्रभाव पड़ो यहाँ उभय आग्निक और आग्निक गाड़ी चालक कि रसी चढ़ाटा केवल आग्निक पदवी गाड़ चालक कि रसी चढ़ाटा कौन से मैंडेटोरी ना तो सहीटा टी तुमको मेनसन करने को भूलीगली यहाँ मुझे तुमको कहीदे कि हिसाब से केवल आग्निक पदवी है बालीबस्ता एर गाड़ी चालक कौन से जिन मेनसन होना ओके ना तो हिसाब से 3 नंबर पर 4 नंबर आड़ जब आम आसवा जोड़ा रही दौड़ा कथ आस दौड़ी दौड़ दौड़ 1600 किलोमीटर मानते 1.6 1600 मीटर पे मैंने उभय तुम आग्निक और आग्निक गाड़ी चल दुई जन कि तो सीटा 7 मिनिट समय मध्य अतिक्रांत करें प्रार्थी योग्य विजित होते आउ 7 मिनिट मध्य संपूर्ण कर नपाले से अजोग्य हे तो साधारण कथ उच्च डिया भी अच्छी तुम हाई जंप 1.22 मीटर उभय दुई जन जाक तुमको रही कि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और तीन थर तुमको सुजोग दिज्वे से हिसाब से लंबर डिया पे जी कह लंग जम्प 3.66 मीटर उभय आग्निक और आग्निक गाड़ी चालक दुई जन कि तुमको से तीन थर तुमको दिज्व और लास्ट हूँ पे क्रॉस कंट्री 5 किलोमीटर तुम हूँ जोड़ा दौड़ा तुम दौड़ती आग्निक उभय तुमको आग्निक गाड़ी चालक 25 मिनिट मध्य तुमको कवर करने को पड़े आउ ये हूँ पे तुम मन रख माने बेस्ट मुझे कहीपरि तुमको हूँ मानते कठिनतर कठिनतम तुम हूँ इवेंट कौन फायरमैन ने आ पाइला पर तुम जान के तार रही पे मैंने सुविधा तुमको कि तो ये डिटेल्स तुमको कि जहाँ भी मुझे तुम सहित आलोचना कली 7टा इवेंट आ गाड़ी चालक मानक तो सेपरेटली जो थी ओभियसली गाड़ी चलने पड़ो तो ये हूँ एका जिनस तुमको लास्ट एंड और डाक्तरी परीक्षा लास्ट को मेडिकल टेस्ट हेनी तो मेडिकल टेस्ट गोटे रोटे जहाँ एनसीसी सर्टिफिकेट रही अप टू 3 मार्क्स पर्यंत से एक्स्ट्रा मार्क पाइपारे और आवेदन पद्धति तो अलरेडी तो 1 तारीख हेल्ले तुम जान कौ आवेदन कर ये हूँ तार जिनस ओके तो ये मुझे लास्ट कथ नोट मुझे तुम समस्त कह तो ये तो है डिटेल्स तुमको नोटिफिकेशन तुमको जो आम आलोचना कले तो जो कथ एवं तुमको समय हूँ से 100 मार्क आने केमी कौन क्लारीटी सहित तो वन बै वन आलोचना करवा पढ़ा और सिलेबस को पुंगानुपुख आलोचना करी से 100 मार्क आम टार्गेट जमी 70+ र ये जो लिमिटेड समय भितर के एग्जाम वगैरह जब कि पचार तो मुझे गोटे सेपरेट वीडियो करी सिलेबस से विषय में तुमको डिटेल्स कहीदेवी तो ये आम रणनीति स्टार्ट करदे आउ 799 टंकार जो बैच रही एपे सांगे सांगे 8280515266 कल करके सांगे सांगे जॉइन होगा मुझे नेक्स्ट क्लास देखा भी तुम सिलेबस को लेकिन तो से पर्यटन मतलब समस्त विद्या दिव्य हापी रक्षाबंधन आज समस्त वन सेकेंड आउ समस्ते ध्यान दे कि पढ़ापढ़ ध्यान देवे एवं एबे संगे संगे कॉल करके बैच रे जॉइन हो जाए थैंक यू प्लम ने वन सेकंड समस्त।